So welcome students, welcome all of you. गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज हमारे बीच में बहुत से नए नए लोग आ गए भी है ना। रेखा मैडम आई है और विजय मैडम आपके लिए हिंदी की लेक्चरर भी लेकर आई है। हेलो पूजा, हाउ आर यू? जी सर। वेलकम वेलकम नरेश, हाउ आर यू? कल तक हमारे साथ थे। चलिए हम अपने नए स्टूडेंट से मिलाते हैं आपको। सबसे पहले लोग में मिली है कंप्यूटर लिटरेट। हेलो मंदीप। हेलो हाय सर। सर, ही इज अ कंप्यूटर लेक्चरर फ्रॉम जैसलमेर। यस। एंड नेक्स्ट वी हैव अ कैंडिडेट फॉर लाइब्रेरी हेलो सर। पोस्ट। और आपकी परसेंटेज इसमें कितनी है? 67। 67। ओके, बिलोंग टू बक्सर। ओके मिस्टर विकास। ओके और नेक्स्ट हिंदी लेक्चरर। तो मैं चाहूंगा हेलो विजय है। कि विजय मैडम आप हिंदी रिलेटेड टॉपिक्स प्लीज मैडम से जरूर डिस्कस करिएगा, सो दैट शी वुड लर्न न्यू थिंग्स थ्रू यू। और हिंदी की और भी टीचर से जी बनना। सर। नेक्स्ट मिस्टर प्रदीप, आप पीआरटी हमारी मैडम पर पीआरटी के। ओके से हाय। यस सर। हेलो मैम। नेक्स्ट अगेन वी हैव अ पीआरटी स्टूडेंट मिस्टर देवेंदर। नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन कराटे गर्ल एक्सपर्ट कराटे। नेक्स्ट पीआरटी कैंडिडेट मिस्टर विकास। ओके हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और एनीबॉडी कैन हैव एनी क्वेश्चन। फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे हमारी कैंडिडेट को, हिंदी लेक्चरर को। मैडम आप विजय मैडम से कोई हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप करेंगे, यहां से हम शुरुआत करेंगे हमारी क्लास की। कोई भी हिंदी रिलेटेड मैडम सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछना आप प्लीज। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। गुड नून नून अर्चना, कैसी हो? ठीक सर। ठीक है सर, आप बताइए। है, सब जने म्यूट कर लीजिए प्लीज, है तब बात अच्छे से बनेगी। विजय मैडम ये आवाज आपके यहाँ से आ रही है क्या? हाँ जी सर। शोर मेरे यहाँ से या थोड़ी रहेगी। अच्छा रहेगा शोर। आपका क्वेश्चन क्या है मैडम मुझे बताओ। हाँ महाकाव्य और खंड काव्य में डिफरेंस क्या है मैडम? सर, खंड काव्य जो होता है ये किसी एक चरित्र को लेकर उनके बारे में रचनाएं की जाती हैं, और एक उनके विशेष किसी जैसे रश्मि रथी है आपका कर्ण के एक जीवन पर लिखा गया है, और महाकाव्य होता है वो समग्र जीवन का होता है उनका। अखंड काव्य का क्या सर, मैं फिर से बता रही हूँ। खंड काव्य जो होता है वो नायक का मतलब एक उसके किसी एक व्यक्तित्व का या एक छोटे से पार्ट का वर्णन होता है, और महाकाव्य जो ओके होता है समग्र जीवन का वर्णन होता है। ओके जी, ये डिफरेंस है। हेलो। नेक्स्ट चलो भाई हमारे विकास पांडे जी से पूछा जाए। विकास जी, लाइब्रेरियन का काम क्या होता है अगर हम आपसे पूछे तो? एक लाइब्रेरियन का क्या काम होता है रफली? म्यूट कीजिए प्लीज, ऑल अदर म्यूट कीजिए। हाँ जी लाइब्रेरियन का वर्क सिर्फ बुक्स को सजाना ही नहीं रह गया है। हाँ जी, नाउ इट्स लाउडली। डिफिकल्ट एंड वेरी बहुत हाईटेक इसके काम बन चुके हैं, जैसे जैसे कि किसी भी कस्टमर को अपने लाइब्रेरी में कैसे बुला पाएंगे उसको, ओके, मगर आपको उसको तो केवीएस बुक्स। लाइब्रेरी में जाना है तो आप स्टूडेंट से डील करेंगे राइट? जी तो मींस आप मोटिवेट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए ऐसा कुछ? हाँ, बुक्स से अट्रैक्ट इसको किया जा सके, इस ओके टाइप से ओके, हम उसमें एफर्ट लगाएंगे। एक लाइब्रेरियन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए आपके हिसाब से? वो एक सबसे बड़ा तो बुक फाइंडर होना चाहिए, ओके, और ही ही लव्स बुक, लवर ऑफ क्योंकि बुक्स। ओके ओके क्योंकि जब तक से वो बुक से अट्रैक्ट नहीं होगा और बिल्कुल पूरी बिल्कुल, लाइफ उसके बुक रीडिंग में इंटरेस्ट बिताएंगे। होना चाहिए जी मींस। बिल्कुल। ओके ओके चलिए अवर नेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी, एनीबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन। मैं तो जस्ट नए न्यू कमर्स को थोड़ा एक्टिव कर रहा हूँ ताकि ये लोग आपके साथ बातचीत शुरू करें। ओके मैडम एनीबडी क्वेश्चन मेरी कुछ बताइए। हाँ क्वेरीज हैं सर। जी मैडम, यहाँ पर क्यूरीज नहीं, क्यूरीज आप सेपरेटली करना। इसके अंदर आप किसी भी पर्सन से ओके सर। क्वेश्चन पुट अप कर लो,
क्यूरीज आप मुझसे बात कर लेना, मैंने आपको टाइम दिया इवनिंग में, आई विल कॉल यू, डोंट वरी मैडम। सर मेरा क्वेश्चन है ओके सर। हिंदी मैडम से, सर हाँ जी मेरा क्वेश्चन है, आप बताइए कि साहित्य किसे साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य के अंदर हिंदी की सभी रचनाएं आ जाती हैं, जैसे गद्य रचना हो गया, पद्य हो तो उसकी गया। परिभाषा बताइए, ये प्रश्न मेरे से पुटक हुआ था, मैं आपसे कर रही हूँ, उसकी परिभाषा बताइए। जिस दिन मैं साहित्य आपने बताया मैंने ही बताया था, रॉन्ग हो गया था। विजय मैडम, हमारे पास यह प्रीति भी है, हाँ तो प्रीति ये भी हिंदी सब्जेक्ट की है, तो हम इनको भी इन्वॉल्व कर वो भी देंगे। बता प्रीति सकती है ना? आप हाँ वो भी बता है सकती यहाँ है। पर? हेलो, हेलो हाँ प्रीति, जी, आप गुड एक्सप्लेन आफ्टरनून करना सर। चाहेंगे? आप भी हिंदी, ये भी हिंदी सब्जेक्ट की है। प्रीति आप साहित्य जी के बारे में सर, कुछ बताएंगे? विजय म्यूट कीजिए प्लीज, वॉइस आ रहा है आपके पास से। जी सर। हाँ प्रीति आप, मैडम पूछ रहे हैं साहित्य जी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जी सर। बताइए। हाँ जी प्रीति स्टार्ट कीजिए। सर साहित्य के बारे में क्या बताना है, कोई मैडम पर्टिकुलर विजय क्वेश्चन? मैडम का क्वेश्चन है कि साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं, यही क्वेश्चन है? हाँ उसकी परिभाषा सर, परिभाषा। जी हाँ जी, साहित्य को परिभाषित कीजिए। अच्छा सोनी आप भी हिंदी की है, आप बताना चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं कुछ। सोनी मैडम, अगर यस प्रीति नहीं सर। बता पा रही है तो आप भी ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। ओके साहित्य हमें अपने आज के समय से परिचित करवाता है, साथ ही हमें अपने अतीत से भी परिचित करवाता है। प्रेमचंद का कथन है कि साहित्य समाज के आगे चलने वाली मशाल है, अर्थात हम साहित्य से सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। ओके मैडम। मनीषा से कोई हेलो क्वेश्चन? सर, हेलो हेलो वेलकम, मनीषा से क्वेश्चन पुट अप करो, मनीषा मैम, एडवांटेजेस क्या होती है फिजिकल एजुकेशन की? बताइए। मनीषा हाँ यस यस जी, सर। एडवांटेजेस बताइए। सर पहले इससे सुनना चाहूंगी। आप बताइए जी। नहीं सर, मैं नीतू से, मैंने तो बहुत बार बता दी सर। हाँ जी हाँ जी, नीतू भी बता सकते हैं, बोथ ऑफ यू आर गुड पहले रिलेटिव्स मैं जानना चाह रही हूँ मैम। है। नहीं मैम, मैंने तो बता आप दी बता दीजिए, पहले। नो प्रॉब्लम, थोड़े से एडवांटेज बता दीजिए आप। इससे हमारा शरीर सुडौल रहता है, क्रियाओं में हमारा इंटरेस्ट, हम क्रिएटिव बनते हैं, मेंटल एंड फिजिकली हेल्थ फिट एंड फाइन रहते हैं। यस यस मनीषा, सर। सर जैसे वो नेहा मैम ने बताया था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसमें नई नई शिक्षा नीति है, इसमें हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन से सारा शारीरिक मानसिक सारा परिवर्तन होता है इसमें। जैसे खेलेंगे तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और पढ़ेंगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। राइट जैसे राइट, योगा, योगा के बारे में हम पढ़ के अपनी योगा से कर सकते हैं, फर्स्ट एड के बारे में हम किसी को फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो इस प्रकार सर हम अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अर्चना, निशा, नरेश, मंदीप, रवीना, आप लोग भी क्वेश्चंस पूछें, इट्स नॉट दैट इट इज ओनली फॉर फ्यू पीपल। रेखा मैडम आप भी इन्वॉल्व होइए, ऐसा नहीं है कि सर आप। मेरा हाँ क्वेश्चन है जी बोलिए। केवीएस एस्पिरेंट से कि हमें केवीएस के ऑब्जेक्टिव्स बताएं। केवीएस के ऑब्जेक्टिव्स जी बता सकते हैं? ट्राई कीजिए। केवीएस के ऑब्जेक्टिव है कि इनोवेशन एजुकेशन के अंदर वो परस्यू करते हैं एक्सीलेंस को, इन स्पेशली स्कूल एजुकेशन के अंदर। इनका जो मेन मोटिव है कि वो ऐसे बच्चों की एजुकेशन नीड को फुलफिल करना चाहते हैं जो जिनके जो पेरेंट्स हैं उनका फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर भी रिमोट एरिया में होता है। और इसके अलावा जो इनका मेन मोटिव है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा दे रही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एनीबडी और एल्स? मैम क्या बता सकती हैं कि केवीएस का लोगो क्या है और उसको डिस्क्राइब कर सकती हैं? बताओगे लोगो लोगो? या स्लोगन? यस, उसका कुछ वाक्य है, ध्येय वाक्य है केवीएस का। तो बताओ ना। तत्वम भूषण संभवम अपूर्णम, अपार। हाँ कि उसका ज्ञान मतलब से क्या है? पर्दा, स्लोगन ज्ञान से पर्दा हटाइए। सूर्य के द्वारा नो ये साइड टॉक्स। प्रकाश जैसे कि है उसमें उसमें दिखा रहा है कि उगता हुआ सूर्य दिखा रहा है, जी
और किताबें खुली हुई हैं, और साथ ही हमारे भारत का जो तिरंगा है, जो हमारा फ्लैग है, मैम प्लीज ये दिखा रहा है, मैम प्लीज लोगो तो राइजिंग सन नहीं है क्या मैम? राइजिंग सन, तो वो ज्ञान का प्रतीक है ना, और साथ ही वो एनर्जी का भी, हमारे अंदर जैसे सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, वैसे हमें ज्ञान से मतलब हमें हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। वो थीम नहीं है क्या मैम कि साथ ही फ्लाइंग बर्ड है जो इसका प्रतीक है। नो प्रॉब्लम, अगर कोई नो प्रॉब्लम, प्रदीप कुछ ऐड करोगे? उसका तो सब तत्वं पूषण अपावरणु है सर, ये पांडे जी जानते हैं संस्कृत यार, बहुत अच्छे से बताएंगे आपको, चिंता मत करो, मीनिंग बताइए साथ में। तत्वं पूषण अपावरणु है मतलब कि सूर्य जैसे सूर्य होता है वो जब चमकता है, जब उसकी प्रकाश होती है तो अंधेरा ऑटोमेटिकली मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश से अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया जा सकता है। सन गॉड से बोला गया कि अंधकार रूपी शब्द को मिटाए, यही ना, अंधकार रूपी अज्ञान के आवरण को हटाए, अज्ञानता को हटाए, ऐसे मैम नहीं बोल सकते, आप अपने सेंटेंस में कुछ भी बोल सकते हैं। रिमूविंग ऑफ द डार्कनेस, वेरी गुड। प्रदीप आप पीआरटी के हैं, आप हमारे पीआरटी से कोई क्वेश्चन पुट अप करो। हाँ जी, हाँ जी, आप प्रदीप से पूछ लीजिए, आप पूछो। प्रदीप सर, क्लास में कोई लड़का मिसबिहेव कर रहा है, उसको कैसे समझाएंगे? मिसबिहेव का रीजन पूछेंगे कि मिसबिहेव क्यों कर रहा है, पहले रीजन जानना चाहेंगे, उनके बाद फिर उसे समझाएंगे कि ये मिसबिहेव है, ऐसी नहीं करे। कुछ ऐड करना चाहोगे आंसर में? एडवाइस उसके एडवांस में उसको एडवाइस देंगे, सलाह देंगे कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए सीए, और क्या सर, इन माय ओपिनियन हमें उसे कुछ क्रिएटिव टास्क में एंगेज करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कोई बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती, होती कि वो नहीं समझ पाएगी मिस बिहेव क्या है, क्योंकि उसके लिए मॉरल वैल्यू कुछ है ही नहीं पीआरटी उसके लिए, क्योंकि वो नॉलेजेबल ही नहीं है, उसे पता ही नहीं नैतिक क्या है, मॉरल क्या है, इनमोरल क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हाँ, टीसीटी पीसीटी लेवल पे आप ये कर सकते हैं। मैम, अगर आपके घर दादाजी है उसके इस बिहेव का तो पता ही नहीं क्या है, या ये एक नॉर्मल वो है, तो एज ए पीआरटी स्टूडेंट को हम बता ही नहीं सकते कि मॉरलिटी क्या है, तो मिसबिहेव तो या तो हम उसके सामने कोई ऐसा हीरो जो कार्टून करेक्टर हो या कुछ ऐसा हो उसके बेस पे हम उसको कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम उसको ऐसे टास्क में उसकी एनर्जी को लगाएं जिसमें वो एंजॉय करे और फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाए, इन माय ओपिनियन। मैम, आपसे क्वेश्चन है कि किसी बच्चे में नैतिक वैल्यू कैसे इम्प्रूव करें? मिसबिहेव तो वो ही होता है। नहीं मैडम, इसका अगला क्वेश्चन आ गया कि आप नैतिक वैल्यू कैसे डेवलप करेंगे बच्चों में, जल्दी बताइए फास्ट। ओके, नेक्स्ट मनीषा मैम, कहानियां सुना के भी कर सकते हैं हमको, मतलब प्रेरणादायक कहानियां सुना के भी उनमें मॉरल वैल्यू डेवलप किया जा सकता है, रियल लाइफ से जोड़ के भी, कुछ हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में बता के भी हम उनमें मॉरल वैल्यू डेवलप कर सकते हैं, छोटे बच्चों में भी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे रेखा किया जा सकता है। हां जी मैम। रेखा मैम, मैम ये बताइए कि आप अगर क्लास में पढ़ा रहे हो और बच्चा लिख नहीं रहा जो आप बोर्ड पे लिखवा रहे हो, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? हाँ जी मैम, मैम बच्चे का पहले तो हम रीजन फाइंड आउट करेंगे कि बच्चा लिख क्यों नहीं रहा है, उससे लिखना नहीं आता या उसका आज लिखने का मन नहीं है, फिर उसके बाद अगर उसका लिखने का मन नहीं है तो पहले उसको 5-10 मिनट उसको मोटिवेट करने में लगाएंगे, उसको एक एज ए स्टोरी से रिलेट करेंगे कि अगर बच्चा आज नहीं लिखेगा तो आज का वर्क कल के लिए पेंडिंग हो जाएगा, और जैसे जैसे हमारा वर्क बढ़ता है तो ओवरलोड बढ़ता जाएगा, तो उसे इस तरीके से मोटिवेट करके उसको लिखने के लिए मोटिवेट करूंगी मैम। वेरी गुड, ये तो आप एक बच्चे में कर सकते हैं। अगर एक मिनट, आप है ना प्रीति मैडम से एक हिंदी का क्वेश्चन पुट अप करो, बिल्कुल बोलिए। आजकल बच्चे हिंदी में बहुत सारी गलतियां करते हैं जी मैडम, तो आप उन गलतियों को कैसे इम्प्रूव कराएंगे? प्रीति मैम, हिंदी व्याकरण में बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यस प्रीति मैम, स्वर प्रॉब्लम मैम, जैसे मैम किसकी
हिंदी ग्रामर ग्रामर में, ग्रामर में, व्याकरण वगैरह में हम बच्चों को विशेषण अच्छा। तो वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं जल्दी से, परिमाण वाचक को परिणाम वाचक लिख देते हैं, तो उनकी इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे मैम? उनसे राइटिंग करवाएंगे, सुलेख में लिखवाएंगे और उसके माध्यम से मैम उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्या मैम दोनों का डिफरेंस नहीं बताएंगे बच्चों को, परिमाण का मतलब क्या होता है और परिणाम? एग्जांपल से रिलेट करके यस मैम उनको ये भी बताएंगे कि इसका मतलब समझाएंगे। यस मैम संस्कृत बेस्ड क्वेश्चन को नो प्रॉब्लम, दे आर एक्सपर्ट्स, ये विजय सोनी बहुत एक्सपर्ट्स है। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो हिस्ट्री बेस्ड? सर संस्कृत का कोई यूज है हमारी लाइफ में? मैडम ये बेटा संस्कृत में, ये लाइब्रेरी पोस्ट के लिए जा रहे हैं मगर संस्कृत में एक्सपर्ट है ये, मगर इनका इंटरव्यू सर केवीएस लाइब्रेरी संस्कृत वाले से क्वेश्चन है सर। हाँ जी पूछिए। वो जो तत्त्वम पूषण अपावृणु लिया गया है वो किस श्लोक से लिया गया है? अभी इसके बारे में अभी आइडिया नहीं है बट इसका जो अर्थ है वो आपको बता दिया गया है। आप बता सकते सर हैं? वो भी जी वो भी एक क्वेश्चन है ऐसा कि मतलब किस श्लोक से लिया गया और कहां से कौन सा काव्य से लिया गया है? बताइए बताइए आप बता दीजिए, हेल्प कीजिए। हमारी स्टूडेंट नेहा आ रही है जो ऑलरेडी केवीएस में जॉब कर रही है फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स, तो आप लोग कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहें, इंट्रो से रिलेटेड हेल्प लेना चाहें। एंड मैंने पहले ही बताया था शी इज ओनली फ्रॉम अवर सिटी। तो अर्चना आप लोग कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना ठीक है मैडम से, तो आप भी लोग भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इंट्रो क्रैक किया और मेरी सिटी की और मेरी बेस्ट स्टूडेंट है, आपको हेल्प करने की आ रही है, आपके अंदर एंटर हो रही है ठीक है, आपको पता लग गया कहां से आज कंप्यूटर रिलेटेड। माय क्वेश्चन इज सर How will you use your weakness in teaching? बताइए कोई जवाब दे सकता है कि आप अपनी वीकनेस को कैसे यूज करेंगे टीचिंग में? मैडम यस मैम आई कैन ट्राई। यस मैम वीकनेस जैसे मेरी वीकनेस है कि मैं सेंसिटिव हूँ, तो मैं उसका यूज इस तरीके से करूंगी कि मैं बच्चों को समझने का प्रयास करूंगी, मतलब मैं बच्चों को अपने आप से जोड़ मतलब उनसे बॉन्डिंग क्रिएट करूंगी, अपने को वहां रख के देखूंगी, मैं उनकी फीलिंग को समझ सकूंगी, तो इस तरीके से कि मैं उनको समझते हुए उसको पढ़ाने में मदद कर सकती हूँ, पढ़ने पढ़ाने में मतलब अपने टीचिंग में उसको अप्लाई कर सकती हूँ। ओके मैम। पूजा मैम विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे और कब हुई? मैम हरिहर और भुक्का नामक दो भाइयों ने की थी मैम, और ये 1336 ईस्वी में की थी मैम। उस टाइम पे सल्तनत में कौन शासन कर रहा था? दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत सॉरी मैम अब तुम एम्बिट वो मोहम्मद बिन तुगलक उसके टाइम पीरियड पे उन्होंने विद्रोह करके वहां पे। हां जी आप पूछो मैम गुज्जर प्रति हरवंश का संस्थापक कौन था मैम? पूजा मैम नागवट प्रथम? नहीं मैम वत्सराज? नहीं मैम आप बता दीजिए मैम। मैम हरिश्चंद्र। ओके थैंक यू, ये मुझे मेरी नॉलेज में नहीं था। प्रत्याहार अगर बनाना हो तो प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? प्रत्याहार का मेन फॉर्मूला क्या होता है बताइए सोनी विजय। महेश्वर सूत्र से बनाया जाता है प्रत्याहार, जैसे महेश्वर सूत्र 14 या 15 है तो उसमें अ ई उ ऋ ऋ का ए ओ ऐसे प्रत्याहार बनाया जाता है और इससे संधि में भी इसको पूरा संधि में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकर आपके प्रत्याहार कर सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो। भाई अगड़े दस जब अगड़े दस खपा चटता चटता वो खपा ये सकर हल सकर हल। हाँ यस मैडम सूत्र में सबसे पहले किसको मतलब किसको स्थान मिला है? सबसे पहले क्या है जैसे अ ई उ मूल स्वर है, रिल रिक का प्रियोज एओंग है वरट लड़, तो क्रम वाइज बताइए कि पहले नंबर पे क्या है दूसरे नंबर पे क्या है, अंतस्थ कब आते हैं उष्ण व्यंजन कब आते हैं,
इस तरीके से बता सकते हैं? जैसे हमें प्रत्याहार बनाना होता है, जैसे अल प्रत्याहार हमको बनाना है, अल प्रत्याहार बनाना है तो अ ई उ रिल री सबका लास्ट वर्ड जो होता है उसको हमको छोड़ना होगा, और ऐसे हमको जैसे अल प्रत्याहार बनाना होगा तो अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ हय वर ल यम गण न झ घड द जब गड द खफ छठ त चट त कप सख स ह। तो ये श श स ये तीनों स का उच्चारण में आना चाहिए, उसमें वर्ण में इसको शामिल किया जा सकता है। श श श ह ये चारों जो आते हैं ये उसमें वर्ण है। ओके नाउ आवर जैसलमेर कैंडिडेट वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम नेहा। नेहा गेट रेडी, ही इज अ कंप्यूटर लिटरेट एंड आई एम मास्टर कंप्यूटर। यस प्लीज आस्क मैडम। 60 में से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए? क्या क्या सर रिपीट करेंगे सर? मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए केवीएस में, किस तरह से? ओके आप इंटरव्यू के टर्म्स में बात कर रहे हैं सर? यस यस ओके सर। एक्चुअली हमने ये देखा है, जहाँ तक हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हमें एट फर्स्ट मुझे ये लगता है कि सब्जेक्ट नॉलेज तो जब हम रिटन क्वालिफाई करके आते हैं तो एवरीबॉडी इज वेरी मच परफेक्ट इन सब्जेक्ट नॉलेज। तो हमें मेन अब फोकस करना चाहिए ऑन द करंट पॉलिसीज दैट आर रनिंग इन एजुकेशन सिस्टम। 2019 तक जितने भी सिलेक्शन हुए हैं वहां पर कोई करंट ऐसी एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी जिस पर फोकस किया जाता था इन एग्जाम्स के अंदर। आप देखेंगे एनसीएफ के बारे में आपने पढ़ा होगा 2005 वाला, उसकी जो बेसिक गाइडलाइंस हैं जिसके ऊपर हमारा एनईपी 2020 बना है, ये दीज आर द बेसिक पॉइंट्स व्हिच नीड टू बी फोकस्ड एट अलोंग विद डिपार्टमेंट्स जो हमारे एमओई के अंडर अभी करंटली वर्क कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, उनको भी हमें पढ़ना चाहिए सर। ओके नेक्स्ट एनीबॉडी कैन, कोई और? रेखा, शोभा, नील, पूजा। हाँ जी हिस्ट्री वाले रेखा मैम। पूजा है, पूजा स्क्वायर। पूजा मैम, जो औजार पाए गए वो क्या क्या पाए गए वहाँ पे, कौन कौन सी चीजें मिली हैं मैम रिपीट कीजिएगा? राखी गढ़ी जो विलेज है, हाँ जी, वो वहाँ क्या क्या मिले हैं मैम? अभी करंट का मुझे आइडिया नहीं है, इतना आइडिया है वहाँ पे गोल्ड का भी, कुछ गोल्ड के खाने मिली है फिलहाल में, और पहले से भी पुराने एविडेंस वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। पूजा मैम आपको पता? यस मैम। हाँ जी यस मैम, राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का पुराना स्थल है और यहाँ पर जुते हुए खेत और पुरानी गाड़ी के भी पुरानी गाड़ी जो हड़प्पा सभ्यता में प्रचलन में थी उसके भी अवशेष मिले हैं मैम। और यहाँ पर पहली 7 बार जो सभ्यता थी उसके अवशेष मिले मैम। ओके मैम नेक्स्ट। हाँ जी मैडम। सर मेरा नाम मैम से रेखा मैम। हाँ जी, हाँ जी मेरा नेहा मैम से। हाँ जी रेखा जी पूछिए। रेखा जी, नेहा गेट रेडी। मैम एनईपी जो है अभी एनवीएस में फॉलो करती गई है? एक्चुअली मैम फॉलो कहीं पर भी नहीं हो रही है। एनईपी के जो ड्राफ्ट पहले तैयार हुआ, हाँ जी अब मैं बता रही हूँ मैम, एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पीएम श्री स्कूल्स, आप लोगों ने सुना होगा पीएम श्री स्कूल्स का सिलेक्शन हुआ है 14,500 स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री, जिसमें एनवीएस भी आएंगे, जिसमें केवीएस भी आएंगे, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी आएंगे, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी आएंगे। 14,500 स्कूल्स का सिलेक्शन किया गया है। दे विल बी एज पायलट स्कूल्स बोलते हैं मैम इनको, पायलट स्कूल्स की तरह काम करेंगे, जहां पर बताया जाएगा कि एनईपी कैसे इंप्लीमेंट होगी और फिर ये एग्जाम्पलर स्कूल्स की तरह काम करेंगे थ्रू आउट द होल कंट्री कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो एग्जाम्पल मॉडल स्कूल्स की तरह पीएम श्री स्कूल्स नाम से इसको बोला जाता है इंप्लीमेंटेशन के लिए। अभी ये प्रोसेस में है मैम। यस मैम, इंटरव्यूअर ना जैसे इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछते हैं। जी 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 एनईपी की, तो वो कैसे हम अपने आप को जैसे शो कर पाएंगे कि इसकी क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है? सी मैम जो ड्राफ्ट जी, हाँ ओके, हम ऐसे कह सकते हैं मैम कि अगर एनईपी 2020 है, जो एक पॉलिसी जो फॉर्मुलेट की जाती है उसका मेन एम यही रहता है कि कहीं ना कहीं होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का करवाना है, वो बच्चों के हित के लिए ही बनाई जाती है। पर yes, जब वो हमारे लेवल पे आती है एज टीचर्स, तो हम जब वो ग्राउंड लेवल पे आएगी ना मैम, तब उसकी प्रॉब्लम्स एक्चुअल में हमारे सामने आएंगी है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
फॉर एग्जाम्पल उसकी एक प्रॉब्लम ये भी आपने पढ़ा भी है हमने हर जगह पे, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला सिस्टम है ना. यस मैम. तो बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाना है. और मेरा ट्रांसफर एक ऐसे स्कूल में हुआ है जो महाराष्ट्र का स्कूल है, मुझे तो मराठी नहीं आती है. तो मुझे उसमें लिखा है कि जैसे पीआरटी टीचर होंगे, टीजीटी टीचर होंगे, उनको भी तो क्लास 8 तक पढ़ाना है. तो प्रेफरेबली क्लास 8 तक मदर टंग में पढ़ाना है. ये प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट होंगी, इनको इम्प्लीमेंट करने में एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स आएंगी. फिर वो क्या क्या इंक्लूड, मदर टंग वाली बात एक हो गई, और भी चीजें हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि एनएपी के अंदर रोट लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ शिफ्ट करवाने की बात की गई है. तो जो हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग टीचर्स जो हैं इतने कम टाइम के अंदर ऑलरेडी ट्रेंड नहीं है, या हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है ना मैम, तो ऐसे दी जाती है कि हमें जैसे पिडागॉजी स्टाइल या फिर हमें टीचिंग स्टाइल को बदलना चाहिए, पर हमें ये नहीं बताया जाता किस टॉपिक में क्या लगाना चाहिए. Yes, तो वो टीचर के सोचने पर मजबूर हो जाता है. टीचर 40 मिनट की क्लास में उसको कैसे कवर अप करेगा, इन चीजों पर इश्यूज क्रिएट होंगे फॉर श्योर. तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी. एक्चुअली देखो इश्यूज होंगे, लेकिन अगर हम एज ए नेगेटिव वे में अगर इफेक्ट डालते हैं तो वो हमारे इंटरव्यू पे भी इफेक्ट डालेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. पर ये तभी हमें बोलना चाहिए, स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी चाहिए कि जो पॉलिसीज ड्राफ्ट की जाती है वो बच्चों के हित के लिए बनाई जाती है. पर हो सकता है जब वो ग्राउंड लेवल पर आए तो 100% उसका टारगेट ना अचीव हो, पर हम उसकी तरफ बढ़ना चाहेंगे और 100% अचीव करना चाहेंगे कैसे भी. और फिर जो प्रॉब्लम आएंगे एक तो एग्जांपल की फॉर्म में बता सकते हैं, ज्यादा नेगेटिव नहीं बोलेंगे हम लोग. ओके ओके मैम. आपका जो आंसर है ना नेगेटिव वाला, वो तो बहुत अच्छा है. ये क्या है कि ये टीचर का नेगेटिविटी है, ये गवर्नमेंट का कोई नेगेटिविटी जी. करेक्ट सर. बहुत अच्छा होगा, ये कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं. मैम वो ऑलरेडी जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों चीजें हैं, बट उसको प्रूव कैसे करना है या अपने आप को शो ऑफ कैसे करना है वो ये चाहते हैं. वो हमें जी 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 जी. नेक्स्ट क्वेश्चन एनीबॉडी कैन आस्क. यस मैम, मैंने कहा कि पीजीटी के लिए क्या अलग तैयारी करनी चाहिए, मतलब पीआरटी और पीजीटी के अलावा के अलग से. कंप्यूटर फील्ड सर मिस्टर कौशिक. हाँ, इट इज बेटर यू आस्क हिम फ्रॉम द कंप्यूटर साइड. बट सर मुझे तो लगता है जहां तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्चुअली 11th 12th लेवल तक के ही पूछे जा रहे हैं. आपको अदर देन दिस थोड़ा बेसिक नॉलेज तो सर हमें होता ही है. हम बीएससी का या जो भी आपका पर्टिकुलर बैचलर डिग्री का सब्जेक्ट है तो चीज की नॉलेज हम लोगों को ऑलरेडी होती है इस कंसर्न में. तो ऐसी बात नहीं है कि हम उसको आंसर नहीं कर पाएंगे. तो एक ओवरव्यू लेकर चलेंगे हम हर टॉपिक का. वेन एवर वी आर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू उसका एक थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें पता होना चाहिए. सर वो कभी भी क्वेश्चन इन डेप्थ जाके नहीं पूछते हैं, ऊपर ऊपर वाला जैसे पर्टिकुलर में. जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे पीजीटी लेवल पे जो हमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या मैम हम उनका आंसर लेमन लैंग्वेज में दे सकते हैं या प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज में ही उनका आंसर. नहीं मैम दे सकते. मैम कई बार क्या होता है जैसे हमसे एग्जैक्टली लॉज पूछ लेते हैं नाम से ही, है ना. जैसे हमारे सब्जेक्ट में लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वो लॉज जो होते हैं वो पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज में ही रहेंगे और बेटर रहता है हम उसी को पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करो. अदर देन उसके अलावा आप कोई भी कैसे भी मोल्ड करके बताएं, देयर इज नॉट एन इश्यू. उसमें वो आपकी टर्म्स भी आएंगी ना मैम, तो भी इट इज गुड. ओके थैंक यू मैम. मैम लाइब्रेरियन के लिए और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बातें अगर बताएं तो. रिपीट करिए सर प्लीज क्वेश्चन. लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए जैसे इंटरव्यू के लिए क्या ब्रीफ में तैयार किया जाए ताकि एट ए टाइम वहां तक के लिए, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम रह गया है इसमें. सर इसमें मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे नवोदय स्कूल है ना, वहां पर एक कोई लाइब्रेरी के लिए एक कंप्यूटर का एक फॉर्मेट या कुछ है, अपलोडिंग ऑफ बुक्स के लिए, काउंटिंग ऑफ बुक्स, बुक क्या बोलते हैं उसको, फोल्डर और कुछ ऐसा प्रिपेयर्ड है. आप मैं आपको एक टीचर का नंबर दे सकती हूँ या किसी भी नवोदय स्कूल या किसी स्कूल के टीचर से पूछिए वहाँ के एग्जैक्टली क्या फॉर्मेट चल रहा है बुक्स. सर एक और बताती हूँ, उसमें है एनईपी 2020 ने कहा है कि एक लाइब्रेरी के अंदर ना स्पेशल जगह होनी चाहिए, खाली जगह जहां पर बुक्स जो नहीं आएंगी उनको प्लेस किया जाएगा. एक ऐसा कंसेप्ट भी नया आया है कि ऐसा नहीं है लाइब्रेरी में सारे प्रॉपर चैनल से बुक्स भरी जाएंगी हर जगह पे, नहीं, एक कॉलम एक जगह खाली होनी चाहिए जहां पर बुक्स होनी चाहिए, बुक्स आने वाली बुक्स के लिए जगह होनी चाहिए.
वो जगह है या नहीं, फिर वो फोल्डर सर जो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मेरे को एग्जैक्टली एक टर्म नहीं याद आ रहा है, इफ एनीबॉडी नोज कोई बता दे तो मैं अभी रिकॉल करके आपको अभी बताती हूँ, एक मिनट में ऐड करूंगी इसी में। नेहा मैम, एसएसटी वालों को एक क्वेश्चन पूछा था एनबीएस में कि जेएनबी और एनबीएस में डिफरेंस क्या है, ये जेएनबी स्कूल और एनबीएस स्कूल में डिफरेंस क्या है, वो बोलेंगे सर। एक्चुअली जवाहर नवोदय विद्यालय और जो एनवीएस है वो नवोदय विद्यालय समिति है जो इन स्कूल्स को रन कर रहा है ना, और जो समिति है उसके सिर्फ एक्चुअली 7 हेडक्वार्टर्स है, आपने पढ़ा होगा शायद भोपाल के अंदर। 8 हेडक्वार्टर नेट में अवेलेबल है। जी 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 हाँ, सॉरी मैं थोड़ा अब वही बात है कि कंसर्न उस तरफ हट गया है। हाँ जी, although I am a part of the system, मुझे ये रखना चाहिए याद, but still मैं उस चीज के अंदर से डाइवर्ट होती जा रही हूँ। वो अपडेट हुआ है क्या, वो क्या होगा, पहले 7 हाँ, था अब 8 हो गया। अच्छा ओके, थैंक यू। ओके तो सर वो नवी समिति जो है वो इन स्कूल्स को रन कर रही है एक्चुअली, और आरओज जो होते हैं वो शायद इस समिति के अंडर ही आते हैं, स्कूल्स तो है वो इन आरओ के अंडर आएंगे, रीजनल ऑफिसर्स के नीचे 7 आरओज हैं सर हमारे। मैजिस्ट्रेट वाला उसको कंट्रोल करता है जो जेएनबी होता है। क्या सर क्या बोल रहे हैं, जेएनबी का स्कूल होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कंट्रोलिंग होता है, और जो नवोदय विद्यालय समिति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। जी जी सर, हमारा जो एक्चुअल में क्या होता है, एक वीएमसी होती है, मतलब कमिटी, जैसे हमारा स्कूल मैनेजमेंट कमिटी होता है ना, तो उसके कमिटी का जो चेयरपर्सन है ना वो एक्चुअल में हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, और जितने भी एक्सटर्नल कम्युनिटी हेल्प हमें चाहिए होती है उसके लिए, और हमारे सारे डिसीजंस ये इनके हाथ से ही जाते हैं। हमारे स्कूल में स्मार्ट लैब बनना है। जी 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 जेएनवी स्कूल, हाँ स्कूल का चेयरपर्सन जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, करेक्ट। और एनबीएस का सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान है। जी 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 सर, हाँ जी हाँ जी, थैंक यू मैम। ओके एनीबॉडी एल्स वांट टू आस्क, यस निशा, आपने बोला था कि आप जो एनईपी है उसके की पॉइंट्स को शेयर करेंगे मैम, प्लीज कब जा, हाँ, आज ही कर दूंगी मैम, अभी थोड़ी देर में कर देते हैं। एनईपी इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेटेड की जा सकती है, किससे मैम? मनीषा मैम एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए क्या क्या परेशानी आ सकती है? ओके मैम, फिजिकल एजुकेशन जहाँ तक मैं सोचती हूँ ये परेशानी आ सकती है मैम, कई बच्चे अनहेल्दी टाइप के होते हैं तो उनको एक्टिविटीज में लेके आना, और कहीं जिद्दी टाइप के होते हैं उनको एक्टिविटीज में लेके आना, ये थोड़ी शायद मेरे हिसाब से परेशानी होगी मैम। मेरा क्वेश्चन प्रदीप सर से है, डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन कर पीआरटी में, स्टूडेंट या टीचर? टीचर, स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखें? सॉरी, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन? सर फर्स्टली सर मैं बोलूंगी, यस यस यू कैन शुभानिल, आप बता सकते हो, बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन, द मेंटेनिंग ऑफ द डिसिप्लिन स्टार्टेड फ्रॉम द प्रेयर लाइन, it is the main key point of the maintaining of discipline in the at the time of opening of school, and I'm students ko samjhayenge ki discipline makes a man and discipline makes a society, and usko punctuality ke bare mein usko batayenge, is tarah usko discipline ko boost up karenge, and hum uska jab sitting arrangement karenge wahan par discipline maintain karenge, jab hum usko physical exercise ke liye bhejenge wahan par hum jab line set up karenge wahan par hum discipline maintain karenge, ascending or descending order mein usko arrange karenge, isi tarah hum usko discipline ka jo teaching jo hota hai wo usko hum samjhayenge. Sir, I would like to add in this. Yes, please add. सर एक्चुअली हमारे स्कूल में क्या कहा जाता है कि हमें 3-4 बच्चे ऐसे रखने चाहिए जो हमारे क्लोज हों, व्हाटएवर एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन द क्लास वो हमें भी पता लगनी चाहिए, सो दैट अ टीचर कैन आल्सो कंट्रोल द अदर चिल्ड्रन, तो वो एक 4-5 बच्चे हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी होने चाहिए, तो टीचर को इतना विजिलेंट भी बनना चाहिए एट द सेम टाइम, ये चलाकी वाली बात है एक तरीके से, पर हमें बनना पड़ेगा।
मैम यदि लाइब्रेरी में चोरी हो रही हो तो उस चोरी को बंद करने के लिए कौन कौन से रूल अपनाए जा सकते हैं एक एज ए लाइब्रेरियन? सर अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो पहली बात तो आपने ऐसे स्टार्ट करना है इसके अंदर कि सर मैं अपने बच्चों में ऐसे मॉरल वैल्यूज डेवलप करूंगा शुरू से ही कि उनको ऐसा कदम उठाने की जरूरत ही ना पड़े। इन केस मुझे कहीं से पता चलता है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है तो पहले मैं रीजन फाइंड आउट करूंगा, जैसे कि कोई बच्चा है वो चोरी इसलिए किया कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसको बुक्स की जरूरत थी, तो सर उसको पॉजिटिव वे में मोल्ड करेंगे, हम इस चीज को नेगेटिव नहीं बताएंगे कि हाँ उस बच्चे ने जानबूझ के चोरी की, पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ। हो सकता है उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, उसके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसके लिए कुछ एक एक्टिविटी कर सकता हूँ। जैसे हमारे स्कूल में क्या है, एक वॉल ऑफ वर्च्यू नाम से एक कंसेप्ट चलता है कि कुछ बच्चों के पास एक्स्ट्रा बुक्स हैं, मैं लाइब्रेरी के अंदर ना एक ऐसा कॉर्नर बना दूंगा जिसमें बच्चे जो है ना वो उस कंसेप्ट पे काम करेंगे। विद्यांजलि बोलते हैं इसको, कि ऑफरिंग विद टू हैंड्स, अंजलि का मतलब होता है संस्कृत के अंदर कि यू ऑफर विद टू हैंड्स विद्या, आपको पता ही है ट्रू नॉलेज। तो इसमें हम बच्चों के ना एक कॉर्नर बना देंगे, जिन बच्चों के पास कुछ बुक्स एक्स्ट्रा है वो वहां पे लाके रख सकते हैं और जिनको जरूरत है वो बिना बताए वहां से उठा सकते हैं, पहले पॉजिटिव वे में बता देंगे। फिर ऐसा भी बोलेंगे कि कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, तो आई हैव टू थिंक ऑफ मेजर्स, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा, थोड़ा कैमराज जो है उनको रेगुलेटेड वे में लगाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से हम उसको आंसर को मोल्ड करेंगे। हेलो चरखी दादरी मैन, फिजिक्स लेक्चरर, हाउ आर यू? नेहा, देयर इज अ कैंडिडेट। यस सर। ये भी फिजिक्स के ही है। ओके ओके नाइस। और ही वाज फ्रॉम चरखी दादरी, और चरखी दादरी से हमारे पास कैंडिडेट ऑलरेडी है यहाँ। ओके ओके सर। हाँ जी हाँ जी, सो लेट इफ इट इज पॉसिबल, वो कनेक्शन हो रहा है, अगर हो जाता है फिर इनसे बात करते हैं। Yes, by that time, anybody want to ask anymore? Yes, Rekha, आप hand raise कर रही हैं, question put up करिए। रेखा मैम, आप strength और weakness बता दीजिए। जी मैम, my strength are that कि I am team spirit and jovial person in our life, and I am punctual and determined in our life. एंड माई वीकनेस इज दैट कि कोई भी काम मैं करती हूँ उसको परफेक्ट वे से करती हूँ, उस टाइम पे मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मेरी फैमिली में मेरे बच्चे भी मेरा वेट कर रहे हैं। मीन्स बच्चों ने मेरे से कोई क्वेश्चनिंग की है तो उसको मैं इतना डीपली, जब तक उस बच्चे को समझ नहीं आ जाता तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती हूँ, उसको मतलब करा के ही छोड़ती हूँ। इट मीन्स अगर फिर फैमिली सफर करती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे फील होता है कि ये मेरी वीकनेस हो सकती है, बट ये मेरे लिए गुड पॉइंट भी है कि जिस बच्चे को मैं करवा रही हूँ कि वो मुझसे सेटिस्फाई हो जाता है और उसको वो नॉलेज मिल जाती है जो वो मुझसे गेन करना चाहता है। ओके हां जी मैम। पूजा मैम, सोमवीर को आल्सो आस्क एनी क्वेश्चन। सोमवीर, नेहा इज अ नेहा फिजिक्स लेक्चरर है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें? अरे मुझे भी सुनाई नहीं दिया सर, मैं भी आया हूं सर। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग मिस्टर सोमवीर। सर मैं भी आया हूं, सुनाई नहीं दिया ना सर, बोलिए सर। I am saying here we have Neha Ahuja, she is already working in NVS or she is guiding students aur inka subject physics hai aur aapka bhi subject physics hai, to aap koi question put up karna chahe madam se to definitely aap kar sakte, no problem madam. Neha ma'am, subject se karu ya kisse karu sir, subject ka karu question? Ha ha, subject kar sakte hai, aisa kuch nahi hai. Agar class mein ek emotional bachcha hai, usko choti choti baaton pe rona aa jata hai, तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे कि वो इमोशनल ना हो हर चीज के लिए? ओके मैम, इसके लिए आप ऐसा आंसर कर सकते हैं कि एक्चुअली टुडे हम लोग ये जानते हैं कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन से ज्यादा इमोशनल क्वेश्चन जो है वो मैटर करता है हमारे स्टडीज के अंदर भी, एंड थ्रू रिसर्चेस आल्सो इट हैज कम आउट कि जब हम बच्चों का इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रांग होता है ना तो वो बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो अगर हमारे वहां पर कुछ मतलब पहले ऐसा कोई एक सिनेरियो बना के फिर हम ऐसे करेंगे कि वो बच्चा जो है शुरू से ही पर्टिकुलरली उस बच्चे